सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आलोक, आप देख रहे हो आलोक टेक। और आज इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस गेमिंग कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो को। और ये मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से, और ये कोई भी रिव्यू यूनिट नहीं यार, कोई लोग कुछ समझते हैं कि रिव्यू यूनिट है, बट ये रिव्यू यूनिट ये मैंने खुद ऑर्डर किया है। तो अगर आपको परचेस करना है इसका डायरेक्टली, मतलब बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके परचेस कर लेना, वहां से आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। तो अब इसे अनबॉक्स कर लेता हूं और फिर मैं आपको दिखाया था उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, और इसका रिव्यू मैं जल्दी डाल दूंगा यूज करने के बाद एक महीने, तो भाई वेट कर लेना उसके लिए। और वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पैकेजिंग है, तो भाई मैं इसे यहाँ से मतलब इसे कट कर लेता हूँ। तो पैकेजिंग भाई मुझे काफी सही लग रही है, और हैवी भी काफी है क्योंकि गेमिंग कीबोर्ड है, तो ऐसे कुछ बनाया हुआ उन्होंने। बट भाई अभी हम ज्यादा बकवास नहीं करते, सीधा से खोल के देख लेता हूँ कैसा है, क्योंकि भाई इंतजार नहीं हो रहा और ज्यादा मुझसे। तो एक सेकंड मैं चेक करता हूँ उसके अंदर, और कुछ तो नहीं है, तो और कुछ नहीं है, तो मैं साइड रख देता हूँ यहाँ पे। और भाई ये आ जाता है हमारा गेमिंग कीबोर्ड का और माउस का एक पैकेज, कह लो इसे, हाँ पैकेज ही है वैसे। तो यहाँ लिखा मिल जाता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड, गेमिंग कीबोर्ड टूर्नामेंट एडिशन है, पता नहीं यार ये क्या है, रेड गियर यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। और यहाँ पे प्यारी सी फोटो बनी हुई यार इस कीबोर्ड की, और यहाँ लिखा है कुछ यार पढ़ के देख लो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, 2.1 लिखा है यहाँ पे। यहाँ लिखा है तीन कलर की मिल जाती है इसमें, और 19 की एंटी घोस्ट मिल जाता है, और यहाँ मिल जाता है हमें पता नहीं क्या लिखा है फॉलोइंग रेट। तो 1000 हर्ट्ज़ का इसमें रेट मिल जाता है, जो सही है यार ये भी। मीडिया म्यूजिक मीडिया कुछ मिल जाता है, और ये गूगल पता नहीं क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे विंडोज से सपोर्टेड है और मैक से पता नहीं होगा या नहीं। तो भाई से अनबॉक्स कर लेते हैं, इंतजार नहीं हो रहा, एक सेकंड में पीछे देख लेता हूँ क्या है, कभी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी हो पीछे। वैसे मुझे पता है कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे पीछे, बट स्टिल मैं दिखा देता हूँ एक बार। यार पढ़नी हो तो पढ़ देना, इतने सारे में पढ़ के क्या बताऊँ यार, एग्जाम थोड़ी है जो ऐसे पढ़ूंगा मैं सबको। चलो यार इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ, कुछ ऐसे अनबॉक्स होता है, तो मैं पहली बार अनबॉक्स कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, तो इसे यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। ओ भाई मस्त पैकेजिंग लग गया मुझे तो, यहाँ पे कुछ सीडी है बट इसके अंदर कुछ है नहीं। ओके निकल के बाहर चली गई है, तो भाई अगर रेड गेट से कोई देख रहा है तो यार ये टूटी हुई सीडी आई है, तो ये मुझे बहुत ही घटिया बात लगी, तो इसकी मैं कंप्लेन करूँगा या फिर मैं इसे रिटर्न करूँगा, बट इससे यार अभी इतना फर्क नहीं हो जाए। यहाँ पे रेड गेयर का कुछ स्टिकर वगैरह मिल जाता है, इसे हम फेंक देते हैं। और यहाँ पे क्या मिलता है यार, चलो इसे भी छोड़ो, हम आ जाते हैं पहले अपने माउस पे, क्योंकि यार थोड़ी छोटी सी चीज़ है, अरे यार कनेक्टेड है तो छोड़ो से। तो यहाँ आ जाता हमारा कीबोर्ड जो है गेमिंग कीबोर्ड, तो भाई इसे निकाल लेता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा यार, मतलब इसे कैसे निकलेगा यार, बस टूट वूट ना जाए तो ओके। तो यार थोड़ा मतलब अजीब से अनबॉक्सिंग से लग रही है मुझे, बट स्टिल यार यहाँ पे क्या मिलता है एक बार देख लेता हूँ माउस से वैसे तो, और ये माउस को भी मैं साइड में रख लेता हूँ। और यहाँ और क्या मिलता है देख लेता हूँ, तो सीडी का बचा हुआ पार्ट है, पता नहीं यार ये कैसे टूट गई, बट डेफिनेटली यार ये गड़बड़ है थोड़ी, तो अगर मैं इसे रिटर्न कर सकता हूँ तो आपको बता दूंगा पहले, मतलब पिंड कमेंट में बता दूंगा। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक माउस जो कि है रेड गियर का, यहाँ आप देख सकते हो यार, फोकस कर लियो आज, अरे कर लिया यार फोकस, चलो हो गया, रेड गियर का माउस मिल जाता है। और यहाँ ये काफ़ी इसकी बिल्ड क्वालिटी तो मुझे सही लग रही है यार, क्लिक्स वगैरह भी मैं चेक करूँगा सही लग रही है पहले इंप्रेशन में, तो यहाँ ये मेटल का दिया हुआ है तो बिल्ड क्वालिटी तो सही लग रही है इसकी। और वायर की क्वालिटी भी सही है यार, कुछ कार्बन वार्बन की कोटिंग करी हुई है जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको। और भाई यहाँ पे कुछ इसमें होगी शायद सीडी, मतलब आई होगी पता नहीं मुझे। और यहाँ पे आ जाता है हमारा जो कीबोर्ड है, जो कि भाई सब इसके लिए इंतजार कर रहे होंगे, माउस को कौन देखता। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कीबोर्ड, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर, और यहाँ से मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। ओके तो अब इसके मैं इंप्रेशन बता दूँ यार आपको, बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करूँ मैं और क्लिक्स की बात करूँ, तो क्लिक्स तो सही लग रहे हैं मुझे, और मतलब नेक्स्ट लेवल तो नहीं है बट स्टिल इसके क्लिक्स काफ़ी सही लग रहे हैं मुझे, टेस्ट करूँगा वो तो मैं सही से। और यहाँ पे RGB में कनेक्ट करके देखता हूँ। और यार ये मुझे बड़ी बुरी बात लगी, क्योंकि यार इस सीडी में इसके कुछ कंट्रोल होते हैं और ये टूटी हुई आई है, तो ये गलत बात है थोड़ी, तो मैं इसे रिप्लेस डेफिनेटली करने वाला हूँ। बट स्टिल अभी हम इस कीबोर्ड के थोड़ा मतलब ऐसे देख देख लेता हूँ क्या क्या हो रहा है, तो मैं अपने लैपटॉप लेके आता हूँ, उससे कनेक्ट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि भाई इसकी LED लाइट है वो कैसे जलती है। तो भाई तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे, जो मैं अपना लैपटॉप ले आया हूँ और उससे मैंने कनेक्ट तो कर दिया, तो मैं एक सेकंड अपना पासवर्ड डाल देता हूँ जरा इसमें। और ये देख सकते हो यहाँ पे जो रेड कलर की लाइट जल रही है, और इसके कुछ फंक्शंस होंगे जो कि मुझे देखने पड़ेंगे किससे चेंज होते हैं, तो मैं एक सेकंड जरा थोड़ा देखता हूँ, FN से होते हैं तो इससे डिम हो जाती है।
और इससे डाउन हो जाती है पेज अब पेज डाउन से, और यहाँ से कोई और बटन होंगे तो देखता हूँ, तो पता तो नहीं, एक सेकंड पर चेक करके देखता हूँ कौन कौन से बटन से होता चीज। आई थिंक इसके यहाँ लिखा होगा कहीं क्विक स्टार्ट गाइड में, फोकस भाई फोकस। तो मैक्रो सेटिंग्स, बटन सेटिंग्स, पता नहीं यार इसमें तो मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ ज़्यादा। तो एक सेकंड मैं माउस को कनेक्ट करके देख लेता हूँ और फिर इसका भी मैं बताता हूँ कैसा बेसिकली क्वालिटी है इसकी। तो गाइस अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें ब्लू कलर की और मतलब ऐसे ट्राई कलर की LED लाइट जल चुकी है, जो कि सही में बहुत बढ़िया लग रही है। और आपके अगर गेमिंग सेटअप है तो काफ़ी मतलब ऐसे बिल्ड क्वालिटी भी इसकी सही लग रही है मुझे, और क्लिप्स वगैरह भी सही लग रहे हैं ओवरऑल अगर बताऊँ तो तुम्हें, मतलब इंप्रेशन है मेरे पास, अभी कोई रिव्यू नहीं दे रहा हूँ इसका। तो भाई ये आप छोटी सी अनबॉक्सिंग करी मैंने इसकी, तो मतलब छोटे ने पता नहीं कितने मिनट की हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इस कीबोर्ड का रिव्यू देखना है और माउस का। तो मैं समझता हूँ एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन पीस।